जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, मोटो X40 aka मोटो H40 Pro आज लॉन्च हो चुका है। चलो इसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक Full HD+ OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलेगा। जानते हो कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है? 165 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मतलब कि गेमिंग स्मार्टफोन्स के लेवल का आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। और PWM-DC डीमिंग भी देखने को मिल जाएगा। HDR10+ का सपोर्ट भी है। 10 बिट के कलर्स हैं। DCI-P3 कलर गैमेट है। 393 का PPI भी है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बवाल स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। और ज़रा यार डिस्प्ले को ध्यान से देखो, एकदम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोने तक स्क्रीन है, बेजलेस डिस्प्ले, बहुत ही कम चिन्ह है, कह सकते हो चिन्ह है ही नहीं, बेजल्स है ही नहीं। मोटोरोला बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और देखने में फ़ोन वाकई में बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम लुक्स दे रहा है, देख के प्यार हो जाएगा डिस्प्ले से। डिस्प्ले के स्पेशलिटीज़ की बात कर ले तो मोटोरोला यहाँ पर गेमिंग स्पेक्स देने की ज़्यादा कोशिश किया है। 165 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के चक्कर में आपको बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स महसूस होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा बटरी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। गेमिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा इस फोन में। और खास के अगर आप कॉन्टेंट कंज्यूमिंग करने का सोच रहे हो, भाई इतना अच्छा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है, हर वक्त आप जब भी स्क्रीन की तरफ देखोगे ना, आपको हमेशा अंदर में थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होगा, भाई कितना अच्छा डिस्प्ले है, क्योंकि भाई हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है यार, जरा सोच के देखो। कैमरास के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप Xiaomi 13 Pro के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो उन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं मैं। अगर आप मिस कर दिए हो तो आई बटन पे दे दूंगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। देखो यारो, यहां पर आपको कैमरास अच्छे मिल जाते हैं, इतने अच्छे भी नहीं है, इतने खराब भी नहीं है। देखो यारो, हम सबको पता है ये जो मोटो X40 है, इस फोन का मेन मोटिव ही यही था, मोटोरोला इसमें एक अच्छा प्रोसेसर लगा के दिया है जिसके साथ हम लोगों को अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स लग के मिल गए। लेकिन कैमरास के ऊपर इतना मोटोरोला खर्चा कर नहीं पाया क्योंकि इस फोन को अग्रेसिव प्राइस पे भी तो लॉन्च करना है ना, इसी वजह से। लेकिन कैमरास अच्छे हैं, बताता हूं। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, ओमनी विजन का सेंसर है OIS के साथ है, तो अच्छे ठीक ठाक फोटोज ले लोगे। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ, जो आपको बहुत सारे बजट कैटेगरी के फोन्स में देखने को मिल जाएगा एज अ प्राइमरी कैमरा। और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाएगा, यहां पर आपको Sony IMX663 का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है यार, खराब कैमरास नहीं है, अच्छे कैमरास है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोगों को आजकल जितने भी फ्लैगशिप फोन देखने को मिल रहे हैं, Vivo X90 सीरीज, iQOO 11 सीरीज, Xiaomi 13 सीरीज, वो सोनी के नए नए कैमरा सेंसर के साथ हैं, लेकिन मोटोरोला उतना खर्चा कर नहीं पाया यार, क्योंकि जानते हो यार प्राइस काफी अग्रेसिव है इस फोन का। और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाएगा, ये भी ओमनी विजन के सेंसर के साथ है। 60 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होता है। तो कैमरास अच्छे हैं यार, कैमरास अच्छे हैं। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का शो सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप, मतलब कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट तरीके से रीड और राइट स्पीड करेगा। बड़े बड़े ऐप्स तुरंत आपके खुलते हुए दिखाई देंगे। वीडियो एडिटिंग करोगे तो वीडियोस फटाक से रेंडर हो जाएंगे। गेम का जो लोडिंग टाइम होगा बहुत ही कम होगा। ऐप ओपन एंड क्लोज बहुत ही जल्द आपको महसूस करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कि बहुत ही तेजी तरीके से सारा आपका काम होगा, समझ गए ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको 4600 mAh बैटरी मिल जाएगा 125 वॉट के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ, और चार्जर बॉक्स में ही रहेगा, और 15 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और 15 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, MIUI 5.0 के साथ, एक कस्टम UI है जो मोटोरोला अपने चाइना में जब भी कोई फोन्स को लॉन्च करता है तो उसके साथ लगा के देता है, ठीक है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, और स्नैपड्रैगन सराउंड साउंड भी देखने को मिल जाएगा इनके साथ, मतलब कि साउंड क्वालिटी एकदम अमेजिंग लेवल का रहेगा। और NFC भी है, Wi-Fi 6 भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी है, और BC लिक्विड कूलिंग भी है, और X-axis Schneider मोटर भी देखने को मिल जाएगा। तो सारे अच्छे मेन स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब Xiaomi के फोन्स थोड़ी ना है कि यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा, वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाकी सारी अच्छी चीजें हैं। परफॉर्मेंस की बात कर ले जो इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको Qualcomm का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 जो एक 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। Adreno 740 का GPU मिल जाएगा, मतलब कि आप बहुत ही हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग कर लोगे, अल्ट्रा ग्राफिक्स तक कर सकते हो आराम से। डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन एकदम फास्ट वर्क करेगा, काफी अच्छा प्रोसेसर है, और इस फोन को लेकर अभी कोई भी हीटिंग इश्यूज सामने नहीं आए हैं। प्रोसेसर हीट नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। गेमिंग करते वक्त भी थोड़ा सा वार्म हो जाता है, लेकिन उतना तो चलेगा बॉस, क्योंकि इतना भारी प्रोसेसर है, उतना तो चलता है, लेकिन हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं इनिशियल रिव्यूज में। तो मस्त चलेगा फोन आपका, ठंडा अच्छा।
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये स्मार्टफोन आता है 8.59 mm के थिकनेस के साथ, 197 ग्राम इसका वेट है। मतलब कि स्मार्टफोन पतला तो है लेकिन भारी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो मोटोरोला का नया नवेला लुक देखने को मिलेगा, फ्रेश डिजाइन है, नया कैमरा हाउसिंग का स्टाइल है, अच्छा लगता है देखने में, नयापन महसूस होता है और काफी अच्छे अच्छे प्रीमियम कलर्स में भी अवेलेबल है जो आजकल के बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी आपको दे रहे हैं, अच्छा लगता है देखने में। अगर आगे से देखोगे तो देखने में एकदम अच्छा लगता है यार, फ्यूचरिस्टिक लुक दे देता है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर का स्मार्टफोन है और अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है, मजा आ गया देख के। बिल्ड वाइज बात कर ले तो एजी फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज किया है, मतलब कि बहुत ही अच्छा आपको चमकाहट देखने को मिलेगा फोन में दोनों ही कलर्स में, और ग्लास बहुत ही टफ है ये वाला। एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा और आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, और यार IP68 का रेटिंग भी है तो मजे ही हो जाएंगे आपके। तो बहुत ही अच्छा बिल्ड है भाई और डिजाइन भी काफी अच्छा है। अब चलो यार बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो गया है, 4 रैम वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। जो बेस रैम वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा LPDDR5X रैम टाइप के साथ, जिसका प्राइस है 40,400 रुपये यानी कि 40,500 रुपीज। उसके बाद जितनी भी रैम वेरियंट्स हैं वहाँ पर आपको UFS 4.0 और LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिलेगा। 8256 अगला रैम वेरिएंट है 44,000 रुपीज़ यानी कि 44,000 रुपये। फिर 12256 है 47,500 रुपये यानी कि 47,500 रुपीज़। फिर उसके बाद है 12 + 512 51,100 रुपये यानी कि 51,000 रुपीज़। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शंस है, ओपिनियंस है, कमेंट करके बताइए। अब चलो यार बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, होगा तो इसका कितना प्राइस हो सकता है और हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार रूमर्स तो स्टार्टिंग में ऐसे आए थे कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि जनवरी एंड तक ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और अभी भी यही रूमर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्दी आएगा इंडिया में, मोटोरोला बहुत ही जल्दी इसको लेके आएगा। और प्राइसिंग की बात कर लें कि इंडिया में इसका क्या प्राइस होगा, 60,000 रुपये के अंदर में इसका प्राइस रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसी के अंदर में ही रहेगा। और मोटोरोला के जितने भी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं उनका प्राइस 60,000 रुपये के आसपास ही रहता है, इसका प्राइस भी 60,000 रुपये के आसपास ही रहेगा। फिर भी अगर मुझे कुछ पता चलता है इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी को लेकर नए इन्फॉर्मेशन, मैं आपको टेक न्यूज़ में बताता रहूँगा। और आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए। देखो यार वेट करोगे तो जनवरी में और भी ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे, iQOO 11 मिल जाएगा, Xiaomi 13 सीरीज के फोन्स भी डेब्यू कर सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे फोन्स हैं जैसे कि Vivo X90 सीरीज को देख लो, तो वेट करो यार। चलो यारो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा देना। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हो मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyanKhan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.